कार। प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। यदि आपका व्यापार चलते चलते रुक जाए और पैसा आने के सभी रास्ते आपको लगभग बंद दिखाई देने लगें, आपको ऐसा लगे कि बढ़िया काम था, अच्छा काम था, लेकिन 1.5-2 साल से बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 4 चीज़ों को तत्काल छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे व्यापारी को व्यापार में सफलता के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को लगाना पड़ता है, तभी जाकर व्यापार में सफलता मिलती है। तो वह कौन कौन सी 4 चीज़ें आपको आज ही छोड़ देनी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़। सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति का साथ छोड़ देना है जिसके काम लगातार बिगड़ते जा रहे हों, जिसके घर में लगातार बीमारियों का वास हो, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का भाग्य कहीं ना कहीं कनेक्टेड होकर चलता है। साथियों, यदि ऐसा व्यक्ति जो लगातार असफल है, जिसके स्टार बहुत डाउन है, जिसकी ग्रह दशाएं अच्छी नहीं हैं, ज़्यादा उसके टच में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके काम पर इसका फर्क पड़ेगा। आपकी शुभकामनाएँ सबके साथ होनी चाहिए, आपका प्यार सबके साथ होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर आपका या किसी का आपकी लाइफ में हो, बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। नंबर 2, यदि आपका किसी ऐसे मकान में आना जाना है जो खंडर टाइप है, पुराना है, टूटा फूटा है, और लगातार किसी न किसी काम से आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो ऐसे मकान में आवागमन से या रहने से अधिक समय बिताने से आपको बचना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव आपके व्यापार पर, आपके काम पर पड़ता है। साथियों, जो व्यक्ति का लेवल बहुत डाउन है, बहुत हल्का है, एक मोटरसाइकिल के लायक है, उसको आप हेलीकॉप्टर में बैठने के सपने ना दिखाएं, कोई आशीर्वचन ना दें, श्राप हो या आशीर्वाद बहुत सोच समझकर व्यक्ति को देना चाहिए। आप करोड़पति बन जाओगे, आप अरबपति बन जाओगे, आपको सफलताएं मिलेंगी, वगैरह वगैरह। आपका प्रेम सबके साथ होना चाहिए, लेकिन किसी के लिए कोई आशीर्वचन मुख से भूल कर भी कभी ना निकालें, निकाले तो 1000 बार उस पर पहले विचार कर लें, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप आशीर्वचन देते हैं, सहारा देते हैं, आपकी तपस्या का, आपके पुण्यों का एक बहुत बड़ा भाग तत्काल वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, ना तो किसी को दुर्वचन कहें और ना किसी को हृदय से तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कहें। प्रेम और सद्भावनाएं सबके साथ। नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा भाग्यहीन व्यक्ति की लगातार आपके घर में, आपके कार्यों में इंटरफेयर, सलाह और सहायता बिल्कुल ना करें। ना तो आपके व्यापार में किसी ऐसे आदमी का जिसका अपना ही दिवाला निकला हुआ है इंटरफेयर होना चाहिए, ना उसकी सलाह होनी चाहिए, क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र खराब है, कहीं ना कहीं वह आपको भी डुबो देगा। और सहायता जितनी पॉसिबल है, ज़रूरी है, उतनी करें। बहुत ज़्यादा किसी अपना भाग्य किसी को देना, यह आपके लिए बड़ा भारी नुकसान का कारण बन सकता है। साथियों, बहुत छोटी सी आज की वीडियो है, लेकिन विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय समय पर साधना उपासना करते रहें, अपना नियमित नित्यक्रम बिल्कुल ना छोड़ें। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक